हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होप यू ऑल वेल आई नो मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ और मैं बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ आलू के सैंडविच ये किस तरह से बनाते हैं मैं आपको ये बताती हूँ चलें देखते हैं फिर रेसिपी सबसे पहले हम के तीन मसाले डालेंगे तीन मसाले में बेसिकली क्या होता है ज़ीरा धनिया और साबित मिर्च इनको थोड़ा सा भून के इसे कूट लेते हैं ये तीन मसाला बन जाता है और थोड़े से हम इसमें हल्दी डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा नमक नमक आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं और मैंने तीन मसाले जो हैं वो मैंने ढाई चम्मच लिया है हल्का सा पैन में ऑयल डालेंगे प्लीज़ इग्नोर माई पैन थोड़ा सा ऑयल डालना ज़्यादा नहीं डालना उसके बाद ये मसाला डाल देंगे ये मसाले डाल के इसे हल्का सा भुनेंगे कि इसका थोड़ा सा जो इसके अंदर कच्चा होता है वो ख़त्म हो जाए ये भुना गया है अब हम हमने पाँच छः आलू लिए थे और उसको बॉईल कर लिया और बॉईल करके उसे मैश कर लिया मैश पटेटोज हैं ये इसमें मैंने मसाला डाला थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च आप नमक यहाँ पर चेक कर लीजिएगा अगर आपको सही लगे तो ठीक है अगर आपको कम लगता है तो आप और डालें सही है मिर्चे भी आप इस हिसाब से अपने डाल सकते हैं और इस तरह की ब्रेड बड़ी बड़ी ब्रेड ले लेना है और इस तरह से इस पर ब्रेड के ऊपर हमें ये आलू लगा लेना है ये मैंने लगा लिया है अब इसके ऊपर दूसरी ब्रेड रख देंगे सही है और उसके बाद सैंडविच मेकर लेना है अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है तो आप तवे पे या तो आप स्मेकर में ऑयल लगा लें या फिर आप डबल रोटी पर ऑयल लगा ले आपकी मर्ज़ी है जैसा आपका दिल चाहे आप वैसे ही कर लें सही है ये ऑयल लगा के अब मैं इसे सैंडविच मेकर में इस, मैंने इसे सेक लिया है ये देखें और ये तैयार हो गई है ये बहुत ही सिंपल बहुत मज़ेदार है आप ज़रूर ट्राई करें अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें उम्मीद है आप लोग को ये बहुत पसंद आएगा आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करिएगा और यह आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं आप इसे लंच में भी खा सकते हैं इसे आप शाम में इवनिंग में भी खा सकते हैं और आप इसे मॉर्निंग में भी खा सकते हैं ये बहुत टेस्टी और बहुत लाइट से होते हैं आप ज़रूर इसे ट्राई करें और ट्राई करके मुझे रिव्यू ज़रूर दिएगा अल्लाह हाफ़ दुआ में याद रहिएगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा